Hey guys, it's me, Manshu Sharma, and I'm here for solving your math problems. And here we are studying today arithmetic progression. First of all, this is my first channel and first video of this channel. So don't forget to subscribe and press the bell icon also. So let's start our chapter. So AP से हम क्या समझते हैं? AP series यानी एक कंटिन्यूटी जैसे हम चलते हैं पहले फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड फोर्थ तो ये कंटिन्यूटी है और जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं फर्स्ट स्टेयर सेकंड स्टेयर थर्ड स्टेयर फोर्थ स्टेयर फिफ्थ स्टेयर वो कंटिन्यूटी रहती है जबकि अगर हम ऐसे चढ़े पहले फर्स्ट स्टेयर फिर थर्ड स्टेयर फिर फिफ्थ स्टेयर फिर नाइन्थ स्टेयर वो एपी नहीं होती है तो एपी क्या है एक कंटिन्यूटी है ओके चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव ये एक एपी है क्यों है ये एपी निकालने का पता कैसे करें तो ये एपी इसलिए क्योंकि सबके बीच में जो डिफरेंस है दो कंटिन्यूस टर्म्स के बीच में वो सेम होता है जैसे कि टू माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन फोर माइनस थ्री अगेन वन फाइव माइनस टू इज अगेन वन तो इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है अदर थिंग पे भी अगर डिफरेंस चेंज हो जाता है तो ये एपी नहीं रहती है एपी के लिए डिफरेंस सेम होना जरूरी है तो डिफरेंस किस निकालते हैं डी इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं कॉमन डिफरेंस तो इसके बीच दो कंटिन्यूस टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं डी से तो डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन या फिर ए थ्री माइनस ए टू या फिर ए फोर माइनस ए थ्री ये चलता रहता है ऐसे कहां तक ए एन माइनस ए एन माइनस वन एन हमारा कुछ भी हो सकता है जो भी हम इसके अंदर टर्म लेते हैं एनीथिंग एनी रियल नंबर ओके गाइस तो डी यहाँ पर हमारा क्या होगा वन होगा क्योंकि इन सब में एक कॉमन है इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं ओके गाइस तो ये हो गया हमारे ये एग्जांपल्स के ऊपर तो चलिए अब स्टूडेंट एडवाइस तो ये है हमारा स्टूडेंट एडवाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और इसको लगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा है ए और डी निकालना है तो ए क्या होता है ए इज नथिंग एज देन ए वन ए क्या है हमारा ए वन है हम ए वन को ए लिखते हैं तो ए वन क्या हो गया हमारा सिक्स हो गया हमारा ए निकल चुका है तो अब हमको निकालना है डी डी क्या होता है हमारा ए टू माइनस ए वन या फिर ए थ्री माइनस ए टू या फिर ए फोर माइनस ए थ्री कैसे निकाल सकते हैं तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा नाइन माइनस सिक्स यानी कि थ्री ये हो गया हमारा डी तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया ए और डी आ चुका है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और निकाल सकते हैं ए एन ए एन क्या है ए एन एक्चुअली हमारे सीरीज की एक एपी की एक पर्टिकुलर टर्म होती है जैसे कि हमको एक सीरीज दे रखी है उसको निकालिए ए इलेवन यानी कि इलेवंथ टर्म या फिर ए ट्वेल्व यानी ऐसे ही ए एन होती है अब इसका फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हमारा फॉर्मूला होता है ए एन निकालने का ए क्या होता है मैंने आपको बताया था ए वन को हम ए कहते हैं एन क्या होता है एन कैन बी एनी नंबर जो कि हमको निकालना है जो टर्म हमको निकालनी है वो होगा एन और डी डी आपको निकालना होता है जो हमें कॉमन डिफरेंस होता है डी हमारा ओके गाइस तो ये हो गया हमारा ए एन का फॉर्मूला ए एन हो चुका है यहाँ पे हमारा तो चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं हम तो इसके लिए कुछ एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि हमको दे रखा है ए पी वन थ्री फाइव और ये ए पी चल रही है अब आपसे पूछा है कि ए इलेवन टर्म निकालो इलेवन टर्म ए इलेवन ये हमको इसके अंदर निकालनी है तो इलेवन का पैसा निकालने को ए दे रखा है पहले तो
वन दे रखा है डी, डी कैसे निकाले? डी आपको पता है कि मैंने ए टू माइनस ए वन, ये थ्री माइनस वन, ये आ जाएगा हमारे पास टू, तो डी आ चुका है हमारे पास टू। तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं ए इलेवन की तरफ। ए इलेवन यानी कि ए प्लस एन, एन क्या है हमारे पास इलेवन है, यानी तो इलेवन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है हमारे पास टू आया, तो ए इलेवन क्या आएगा हमारा वन प्लस टेन इंटू टू, ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी वन। तो ये आ चुका है हमारे पास ए इलेवन। चलिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब हमको इसका तैयारी करना है, फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है एपी की। हमको क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको दे रखा है। तो चलिए निकालते हैं ए वन, जैसा कि हमको पता है उसको हम ए डी लिखते हैं, तो ए क्या हो गया माइनस वन, तो हमारे पास ए वन आ चुकी है। तो ए टू कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस डी, ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन क्या हो गया हमारे पास टू माइनस वन वन इंटू डी, तो a प्लस डी, तो a टू का आ गया हमारे पास होगा a प्लस डी, a क्या है हमारे पास माइनस वन, डी क्या है वन बाय टू, तो चलिए ऐड करते हैं वन बाय टू को माइनस वन में। अब इसके अंदर आता है हमारा माइनस वन बाय टू, तो a टू भी आ चुका है और इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा a डी भी आ जाएगा और a फोर भी आ जाएगा। हमारा यहाँ से ए थ्री क्या आएगा जीरो और ए फोर वन बाय टू, तो ये देखिए इसी तरह हमारे ए थ्री और ए फोर भी आ जाएंगे और इसी तरह इक्वेशन सॉल्व होगा। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसके अंदर बताया गया है कि आपको एपी चेक करनी है और एपी कैसे चेक करते हैं वो आपको मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस का सेम होना चाहिए और आपको इसके अंदर सबका चेक करना पड़ेगा और चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि एक जगह पे अगर सेम हो गया तो वो एपी नहीं रहेगी, इसलिए चेक जरूर करिएगा तभी वो सही होगा। और ये ज्यादातर बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है, बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन। चलिए हम सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, आपको एएम का फॉर्मूला बता चुका हूं, तो पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है और कुछ नया नहीं है उस एक्सरसाइज के अंदर। एक एन कौन सा निकालना है आपको, सब कुछ भी देखा है, एन निकालना है ए एन निकालना है, तो ए एन आपको पता ही है इसे निकालना है, उसके अंदर टर्म दे रखे ये वाली टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी। अब इसके अंदर क्या है आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एन की निकलती है। तो सेकेंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट है जो, तो इसके अंदर आपको क्या दे रहा है, ए वन दे रहा है, ए सेवन दे रखा है और ए एन दे रखा है, एन नहीं दे रखा है, ए एन दे रखा है हमको। तो हम सिंपली वही रहेगी ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंपली ये फॉर्मूला रहेंगे। हमारे कुछ नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, ए एन आपको दे रखा है जीरो इक्वल टू ए, ए हमारे पास दे रखा है एटी फोर प्लस एन हमको नहीं दे रखा है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इंटू डी। अब डी हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे जो डी आएगा वो आएगा माइनस का फोर, माइनस का फोर आएगा डी। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना था, एन निकालना है। अब इसको जीरो इक्वल टू प्लस माइनस फोर को मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है माइनस फोर एन प्लस फोर। अब इसको खोल देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा जीरो इक्वल टू एटी फोर प्लस फोर माइनस फोर एन, तो एटी फोर प्लस फोर इक्वल टू एटी, जीरो इक्वल टू एटी एट माइनस फोर एन, और यहाँ से हमारा जो एन निकल के आएगा वो आएगा जब एटी एट को सर्विस देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और फोर हो जाएगी फोर हो जाएगी फोर अपन में आ जाएगा, इसलिए जो एन निकल के आएगा वो आएगा ट्वेंटी टू, यानी कि हमारे जो जीरो आई टर्म जो ये बता रहा है वो ट्वेंटी सेकेंड टर्म है। ओके गाइस, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा अब हम निकालेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में निकालेंगे सम। अब हमको निकालना है एपी का सम, यानी कि हम इसको रिमूव करते हैं एस एन से, अब हमको निकालना है सम। तो सम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू इंटू
a plus an. अब हमको an को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n upon 2 into a plus a हो जाएगा, इसलिए ये हो गया 2a. ओके गाइस, तो ये a n को हम सॉल्व करें तो a plus n minus 1 दिया था, इसलिए ये a plus a हो गया 2a plus n minus 1 into d. ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला SMP. ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं हमारे से. ओके, तो ये ऐसे ही फॉर्मूले हो गए. अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे. तो चलिए गाइस, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं. और ये हमारे एडवाइजर का है क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. इसमें आपको एपी ये दे रखी है और एन दे रखा है 12. तो हमको 12th टर्म का इसका सम निकालना है. ओके गाइस, तो निकालते हैं. चलिए SN यानी कि n हमारा 12 है, n upon 2 यानी कि 12 upon 2 into 2a. एक है हमारे पास 1, तो 2 into a plus n minus 1. n क्या है हमारे पास, फिर से वही बात, 12 minus 1 into d. d क्या है, second minus first यानी कि 2. d हो गया हमारे पास 2. तो यहाँ से निकालते हैं, ये हो गया 6 into 2 plus 11 into 2. ओके गाइस, और s 12 हमारे इसको सॉल्व करने से आएगा 6 into 22 plus 2 is 24. तो 24 into 6, 24 into 6 क्या होता है हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास s 12. ओके गाइस, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा. तो इस टाइम का आंसर 144. और इस एक्सरसाइज पे जो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं वो इस टाइम सॉल्व होंगे. तो मैं आपको बता चुका हूं, डी निकालना, एन निकालना और एसएन निकालना, और एन भी आप एन से निकाल चुके हैं. और इसी तरह ये सब चलता रहेगा. और अगर आपको इसके अलावा कोई